फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर केक, वो भी टाइगर प्रिंट के साथ। चलिए तो ये केक बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने कंडेंस मिल्क का यूज करके बनाया हुआ चॉकलेट केक स्पॉन्ज लिया है। ये हाफ केजी का केक स्पॉन्ज है। इस केक स्पॉन्ज की रेसिपी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। इस केक स्पॉन्ज को अब हमें 3 पार्ट में कट करना है। आप अगर बिगिनर्स हो तो आप इस केक स्पॉन्ज के लेयर्स को धागे से भी कट कर सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया है। ये हमारा फर्स्ट लेयर कट हो गया है। ये केक स्पॉन्ज होममेड स्क्रैच से बनाया हुआ है। आप देखिए इसमें कितनी मस्त जाली आई है और टेस्ट में भी ये मस्त ऑसम है। अब मैं इसका सेकेंड लेयर भी कट कर रही हूँ। केक स्पॉन्ज के लेयर्स कट करते समय नाइफ को हमें एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से हमें सिर्फ टर्निंग टेबल को ऐसे टर्न करते रहना है। तो इस तरह हमारे केक स्पॉन्ज का जो लेयर है वो फिनिशिंग के साथ कट हो जाएगा। देखिए ये लेयर कितना फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। अब हम इस केक का फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम फेट के ली है। उसके अंदर मैं डालने वाली हूँ चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। इसकी जगह पे आप नटेला भी यूज कर सकते हो। आपके पास अगर हेजलनट इसेंस है तो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब इस क्रीम के अंदर मैं 1 टेबलस्पून इतना हेजलनट स्प्रेड ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने लिया है चॉकलेट घनाश। घनाश को प्रॉपर कैसे रेडी करना है उसका भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। लगभग 1 स्पैचुला इतना घनाश मैंने इस क्रीम में ऐड कर दिया है। अब हेजलनट स्प्रेड को और घनाश को इस क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करना है, तो ये हमारा केक का फिलिंग रेडी हो जाएगा। अब इस केक को मैं डायरेक्ट टर्निंग टेबल के ऊपर आइसिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे ये मैंने केक का एक लेयर रख दिया है। अब इसे मैं सिंपल वाटर से सोक कर रही हूँ। केक स्पॉन्ज को अच्छे से हमें सोक करना है। आपका केक स्पॉन्ज अगर मीठे में कम है तो आप इसे शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हो। अब इस लेयर के ऊपर हमने व्हिप क्रीम के अंदर जो हेजलनट स्प्रेड और घनाश डाल के फिलिंग रेडी किया था वो डालना है। अब इस फिलिंग को हमें इस लेयर के ऊपर इवनली स्प्रेड करना है। अब इस क्रीम को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब जो साइड का एक्स्ट्रा क्रीम है उसे भी हमें ऐसे तुरंत लेवल करना है, गैप्स जो है वो फिल करने हैं। हेजलनट का अच्छा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे मैं इस क्रीम के लेयर के ऊपर लगभग 2 टेबलस्पून इतना हेजलनट स्प्रेड डाल रही हूँ। इस हेजलनट स्प्रेड को भी हमें अच्छे से इस क्रीम के लेयर के ऊपर स्प्रेड करना है। यहाँ पे ये मैंने कुछ हेजलनट लिए हैं। हेजलनट को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है और उसके बाद इसे बारीक ऐसे चॉप करके लिया है और अब इसे मैं इस लेयर के ऊपर थोड़ा सा ऐसे डाल रही हूँ। अब ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हमें रखना है सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को भी हमें सिंपल वाटर या शुगर सिरप से अच्छे से सोक करना है। उसके बाद फिलिंग का जो क्रीम रेडी किया था उसका लेयर आएगा। क्रीम को इवनली स्प्रेड करना है। साइड का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उससे हमें साइड के जो गैप्स है उन्हें तुरंत ऐसे फिल करना है। उसके बाद इस लेयर के ऊपर डालना है हेजलनट स्प्रेड। इस तरह जैसे हमने फर्स्ट लेयर कंप्लीट किया है वैसे ही हमें सेकेंड लेयर भी कंप्लीट करना है। जो केक स्पॉन्ज का सबसे लास्ट वाला लेयर था उसे मैं यहाँ केक के ऊपर रख रही हूँ। अब इसका बटर पेपर जो है वो हमें ऐसे धीरे से निकालना है। अब इस सबसे ऊपर वाले लेयर को भी हमें थोड़ा सा सिंपल वाटर से सोक करना है। व्हिप क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा घनाश मिक्स करके ये क्रीम रेडी करके लिया है। उसी क्रीम से ये पूरे केक को मैं कवर कर रही हूँ। क्रीम को फिनिशिंग देते समय हमें पैलेट नाइफ को बार बार क्लीन करना है। जो केक के ऊपर हमने क्रीम डाला है उसे हमें पैलेट नाइफ से एकदम हल्के हाथ से ऐसे साइड में करना है। पैलेट नाइफ को हमें थोड़ा सा ओपन पकड़ना है और दूसरे हाथ से हमें टर्निंग टेबल को पैलेट नाइफ की तरफ टर्न करना है, तो हमारे केक का जो ऊपर का क्रीम का फिनिशिंग है वो अच्छा आएगा। जो साइड का एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें साइड से केक को पूरा कवर करना है। अगर फिनिशिंग करते समय हमें क्रीम थोड़ा कम लग रहा है तो हमें एक्स्ट्रा क्रीम लेके वहाँ पे लगाना है और सारे जो गैप्स है वो हमें फिल करने हैं। ये सारा काम हमें एकदम हल्के हाथ से करना है। अब इस केक को मैंने क्रीम से पूरा कवर कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा फिनिशिंग दे रही हूँ। केक के साइड की क्रीम को फिनिशिंग देते समय हमें स्क्रैपर को थोड़ा सा ओपन पकड़ना है एकदम हल्के हाथ से
और टर्निंग टेबल को स्क्रैपर की तरफ हमें टर्न करना है, तो ऐसे ये साइड के क्रीम का फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा। ऊपर जो ऐसे एक्स्ट्रा क्रीम आता है उसे हमें जस्ट पैलेट नाइफ को थोड़ा सा ओपन पकड़ के अंदर पुश करना है। ये केक अब क्रीम लगा के रेडी है, इसे मैं केक बोर्ड के ऊपर रख रही हूँ। नीचे से हमें पैलेट नाइफ डालना है और एकदम हल्के हाथ से हमें इसे इस केक बोर्ड के ऊपर लेना है। केक के ऊपर अगर हमें टाइगर प्रिंट बनाना है तो केक को कम से कम आधा घंटा फ्रिज में चिल्ड करना, ठंडा करना जरूरी है। इस केक को मैं अभी आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ। केक के ऊपर टाइगर प्रिंट बनाने के लिए हमें लगने वाला है वैनिला कोल्ड ग्लेज, इसे व्हाइट कलर का होता है। पास ये ब्लॉसम कंपनी का वैनिला कोल्ड ग्लेज है, इसमें से मैंने एक टेबलस्पून इतना ये बाउल में लिया है। वैनिला कोल्ड ग्लेज थोड़ा सा ऐसा थीक है, हमें ये थोड़ा सा फ्लोई चाहिए, उसके लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। वैनिला कोल्ड ग्लेज के अंदर मैंने पानी डाल के उसे ऐसे पतला कर दिया है, फ्लोई कर दिया है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। हमें यही कंसिस्टेंसी का वैनिला कोल्ड ग्लेज केक के लिए यूज़ करना है। टाइगर प्रिंट बनाने के लिए इसमें मैं कलर ऐड करने वाली हूँ, तो इसे मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अब इस एक बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ ऑरेंज लिक्विड कलर, ये मेरे पास कलर मिस्ट का ऑरेंज कलर था, उसे मैंने थोड़ा सा दो तीन ड्रॉप इस वैनिला ग्लेज में ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा ऑरेंज कलर रेडी है। मैं सिर्फ दो ही बाउल में कलर ऐड करने वाली हूँ, जो व्हाइट ग्लेज था उसे मैंने एक बाउल में वैसे ही रख दिया है। अब मैं एक दूसरे बाउल में येल्लो कलर ऐड कर रही हूँ, ये भी लिक्विड कलर है। इस येल्लो कलर को भी अच्छे से मिक्स करके रेडी करना है। ये हमारे ऑरेंज, येल्लो और व्हाइट तीनों कलर रेडी है। अब हमें लेना है एक पैलेट नाइफ। अब इस पैलेट नाइफ के ऊपर हमने जो कलर रेडी करके लिए है उन्हें ऐसे लाइन से डालना है। आपके पसंद से अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर सकते हो। मिडल में मैं डाल रही हूँ व्हाइट कलर, थर्ड नंबर पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज कलर। पैलेट नाइफ को ऐसे रेडी करके थोड़ी देर साइड में रखना है। यहाँ पे ये मैंने लिया है चॉकलेट ट्रफल। चॉकलेट घनाश और चॉकलेट ट्रफल प्रॉपर कैसे रेडी करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप वो चेक कर सकते हो। इसका रेशियो मैंने लिया है 1:1, मतलब 100 ग्राम इसमें मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ किया है और 100 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम, मतलब जितना चॉकलेट लिया है उतना ही हमें फ्रेश क्रीम लेना है। रेडी होने के बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल ऐड किया है और ये अब ऐसे रेडी है। चॉकलेट ट्रफल को मैंने पहले ही बना के रखा था तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है, ये मुझे थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी का चाहिए, तो इसे मैं एक पैन में लेके थोड़ा सा गर्म करूँगी। आप इसे 20 सेकेंड माइक्रोवेव भी कर सकते हो। अब इस रेडी केक को मैंने आधा पौना घंटा फ्रिज में चिल्ड किया है। अब एक प्लेट के ऊपर मैंने एक जाली रखा है, उसके ऊपर मैं ये केक रखने वाली हूँ। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप डायरेक्ट केक बोर्ड के ऊपर भी इस केक को रख के उसके ऊपर चॉकलेट ट्रफल पोर कर सकते हो। अब इस केक को केक बोर्ड के ऊपर से केयरफुली मैंने इस जाली के ऊपर रख दिया है। पैलेट नाइफ को निकालना नहीं है, वैसे ही रखना है। चॉकलेट ट्रफल को मैंने गैस के ऊपर थोड़ा सा गर्म किया है, अब ये फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ गया है। हमें इसे चेक करना है, हाथ को हमें लुक वार्म लगना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, तभी आपका टाइगर प्रिंट अच्छे से आ जाएगा। ये लुक वार्म है तभी हमें इसे इमीडिएट केक के ऊपर पोर करना है। अगर ये बहुत गर्म है और उसे अपने इस केक के ऊपर डाल दिया तो केक के ऊपर की जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। अब मैं इसे इस केक के ऊपर पोर कर रही हूँ, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी और शाइन। ये अपने आप ही अच्छे से स्प्रेड हो गया है, फिर भी मैं इसे थोड़ा सा पैलेट नाइफ से इमीडिएट ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड करके ले रही हूँ। ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि जो हमने ट्रफल डाला हुआ है उसे हमें ठंडा नहीं होने देना है। और ये ठंडा हो गया तो इसके ऊपर टाइगर प्रिंट का इफेक्ट नहीं आएगा। अब इमीडिएट हमने जो पैलेट नाइफ रेडी करके रखी थी उसे हमें केक के ऊपर ऐसे डालना है और टर्निंग टेबल को जस्ट हमें ऐसे घुमाना है, तो आप देख सकते हो कितना मस्त टाइगर इफेक्ट आया है। फ्रेंड्स, आपको केक में ऐसा इफेक्ट चाहिए तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप जो इसके ऊपर चॉकलेट ट्रफल या चॉकलेट सॉस पोर करोगे वो कंपलसरी लुक वार्म होना चाहिए। अब इस केक को हमें केक बोर्ड के ऊपर लेना है।
ये काम हमें केयरफुली करना है। ये काम मैं आपका इजी कर देती हूँ। मैं आपको एक दूसरा आइडिया बताती हूँ। आपको केक के सेम साइज़ का केक बोर्ड लेना है और उसके ऊपर केक को आइसिंग करना है, तो उस केक को आप इजीली जाली के ऊपर रख सकते हो, उसके ऊपर चॉकलेट पोर कर सकते हो और बाद में उस केक बोर्ड के साथ ही आप उस केक को उठा के दूसरे केक बोर्ड के ऊपर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखा ना आपने, ये टाइगर प्रिंट बनाना कितना आसान है। इस केक को मैं इतना ही रखने वाली हूँ और डेकोरेट नहीं करने वाली हूँ। तो ये केक आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।